सरकारी इंजीनियर्स का 4 रोज से जारी धरना पीर तक मुलतवी। पे स्केल बढ़ाने और टेक्निकल अलाउंस देने का मुतालिबा। हफ्ते और इतवार की छुट्टी के बाद फिर से धरना देंगे मुजाहिरीन। ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन के अहदेदारों की भी मुजाहिरीन से इजहार यकजहती। बुकला के इंजीनियर पर सिविल सेक्रेटेरिएट में मुबैना तशद्दुद की मजम्मत। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस कासिम खान का बड़ा फैसला, अब खवातीन वकला भी औरत कमिश्नर के ओहदे पर फाइज होंगी। तारीख में पहली बार पंजाब भर में खवातीन वकला के लिए औरत कमिश्नर कोटा मुख्तिस। तमाम अदालतों में खवातीन औरत कमिश्नर के लिए 25% कोटा मुकर्रर। जस्टिस कासिम खान ने पॉलिसी की मंजूरी दे दी। खवातीन वकला ने फैसले को इंतहाई खुशाइंद करार दे दिया। म्यू अस्पताल की लिफ्ट मौत का कुआं। नॉर्थ सर्जिकल वार्ड के सेकंड फ्लोर पर लिफ्ट का दरवाजा अचानक खुल गया। एक शख्स जख्मी, सर पर शदीद चोटें आईं। लिफ्ट मुरम्मत न होने के बायस दरवाजा खुला। करप्शन केसेस में मुआमनत, नैब ने मारूफ कानूनदार नईम बुखारी की खिदमात हासिल कर ली। नईम बुखारी सुप्रीम कोर्ट में शहबाज शरीफ, फवाद हसन फवाद और अहद चीमा के खिलाफ मुकदमात में नैब की मुआमनत करेंगे। हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस सरदार इकबाल की अहलिया की नमाज जनाजा गुलबर्ग में अदा। नमाज जनाजा में चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद, साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गैलानी, एतजाज एहसन, साबिक वफाकी वजीर जाहिद हामिद की शिरकत, जईम कादरी और रियाज फतेहाना समेत सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। और मिशन वर्ल्ड कप कौमी टीम तारीख रकम करने के लिए पुरअज़्म। मेगा इवेंट के लिए तैयारियां जारी। कौमी टीम का ऐलान 18 अप्रैल को होगा। 15 अप्रैल को खिलाड़ियों की फिटनेस टेस्ट लिया जाएगा। 15 खिलाड़ियों के साथ 2 रिजर्व खिलाड़ी टीम का हिस्सा होंगे। कौमी टीम 23 अप्रैल को इंग्लैंड जाएगी।